हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपका हम मैथ की क्लास लेने जा रहे हैं, 12th क्लास की। और उस पे हमने जो लेक्चर डाल चुके हैं इंट्रीगेशन में हमने सफिशिएंट मेथड तक के सारे टॉपिक डाल चुके हैं। उसके आगे का पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि इसको कंप्लीट कर दिया जाए फिर आगे हम आपको बाकी चीज को बताएंगे। काफी दिनों बाद आज लेक्चर पढ़ा और आज आपका टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पार्शियल इंट्रीगेशन्स कैसे होता है। उसको करने के लिए पहले आपको पार्शियल फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा। पार्शियल फंक्शन क्या क्या होते हैं? पार्शियल फंक्शन चार टाइप के होते हैं। पहले तो हम आपको उसका पूरा मेथड सिखा देते हैं कि कैसे किया जाता है, फिर शॉर्ट तरीके से भी बता देंगे कि कैसे जल्दी से इसका आंसर निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक टाइप वन पार्शियल में जो कहा जाता है, इंटीग्रेशन तो बाद में हो ही जाएगी कि कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। पहले पार्शियल क्या होता है, पार्शियल यानी डिवाइड में होते हैं फंक्शन, उनको हमें सॉल्व करके अलग अलग बनाना रहेगा और फिर इंटीग्रेशन करना रहेगा। तो पहले पार्शियल सीख लीजिए, जब पार्शियल आपको आ जाएगा तो इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। चलिए, पहले टाइप का पार्शियल ही होता है। मान लीजिए आपके पास दिया गया है x माइनस ए अपॉन x माइनस बी, ये दिया गया। अब इसको करने के लिए हम करते क्या है, x माइनस ए की फॉर्म में ए मान लिया कैपिटल ए और बी, दो वैल्यू मान दी जाती है जो ये मेथड है। इसमें x माइनस ए और x माइनस बी का एलसीएम दिया जाता है। जैसे एलसीएम यहां पे x के साथ आ गया x माइनस बी, क्योंकि x माइनस ए से x माइनस ए चला गया है, x माइनस बी मल्टीप्लाई होके x माइनस ए के साथ है, कैपिटल ए के साथ है, और b के साथ में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x माइनस ए। यहां पे आपके पास है 1 अपॉन में x माइनस ए x माइनस बी, नीचे वाली पार्ट को हटा दिए, अब बचा रह गया 1 ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए। पहले टाइप के क्वेश्चन में यहां पे दिया गया, अब बारी बारी या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लो, इसका ए एक्स माइनस ए बी, इसके बी एक्स माइनस स्मॉल ए बी स्मॉल ए कैपिटल बी, इनको कंपेयर कर लिया जाए। या आप ये कर सकते हैं कि एक्स माइनस ए को जीरो मानिए तो एक्स इज इक्वल टू ए आएगा, जब a आएगा तो 1 इज इक्वल टू, जहां पे x माइनस ए लिखा होगा वो टर्म्स तो जीरो हो गया, यानी a a माइनस बी हो गया। यहां पे x था, x यहां पे हमने a पुट कर दिया, जब यहां पे पुट करोगे a माइनस ए पुट करोगे या x माइनस ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा रख सकते हो, तो a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में a माइनस बी। सेकेंड पार्ट पे आप मान सकते हैं x माइनस बी स्पेस टू जीरो, अलग अलग वैल्यू है तो अलग अलग मान लिए, तो x स्पेस टू बी। अब x स्पेस टू बी है तो यहां पर 1 इज इक्वल टू ए, यहां पे x माइनस बी स्पेस टू जीरो माना है तो ये चीज आपकी जीरो हो गई, ए के साथ जो मल्टीपल में है वो जीरो हो गया, b के साथ में लिखा गया b माइनस ए, यानी b की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में b माइनस ए। अगर दोनों के सेम से में चेंज करना है तो b स्केच टू लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन में a माइनस बी, ये कैपिटल a की वैल्यू आ गई, ये कैपिटल b की वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यू को उठा के हम इसमें रखते हैं, जहां a यानी हमारे क्वेश्चन आया था 1 अपॉन में x माइनस ए x माइनस बी, इसको चेंज करके हमने लिखा x माइनस ए नीचे था, इसके a की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन में ए माइनस बी, बीच में प्लस बी की वैल्यू एक्स माइनस बी है, यहां इसकी वैल्यू आई है माइनस में 1 अपॉन में ए माइनस बी। आप 1 अपॉन में ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन में एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस बी। अभी अलग अलग पार्शियल हो गए, अलग अलग बढ़ गई, जैसे बढ़ जाएंगे तो चाहे तो इंटीग्रेशन लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर इंटीग्रेशन में जाएंगे तो। अभी फिलहाल पार्शियल की बात, ये समझ में आया कैसे सॉल्व हो। चलिए आगे देखें, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं।
हमें तीन फंक्शन दे दिए, वन अपॉन में एक्स अपॉन लिख लेते हैं, एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री। बेटा पहले एक चीज का ये भी ध्यान रखना, तब तक हम डायरेक्ट इसको ए कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस ए या बी मान सकते हैं, कैपिटल बी अपॉन में जो वैल्यू दी जाएगी उसको मान सकते हैं, अलग अलग इनको तब तक मान सकते हैं जब तक कि आपकी ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू से छोटी हो। यानी यहां पे मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स क्यूब आएगा और यहां एक्स की पावर वन है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर भी होता हम डायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर इनकी पावरें मैच कर जाए या इसकी पावर बड़ी हो जाए, एक्स क्यूब हो जाए, एक्स की पावर फोर हो जाए, डोमेटर की पावर आपकी जो है इस डोमेटर की पावर से बड़ी हो जाए, तो पहले हम उसको डिवाइड करके उसकी पावर को छोटा करेंगे। जब उसकी पावर को छोटा कर देंगे तब इसमें हम पार्शियल लगाएंगे, ठीक है। पहले इनको आपस में डिवाइड किया जाएगा अगर इसकी पावर बड़ी होगी। अभी इसके ऊपर भी एग्जाम्पल कर देंगे कि मान लीजिए इसकी पावर यहां पे तीन है और यहां पे इसकी पावर थ्री है, इसकी पावर या क्यूब हो गई या पावर फोर हो गई, तो पहले इसको डिवाइड करके ऊपर वाले की पावर को छोटा किया जाएगा, फिर उसके ऊपर हम लोग पार्शियल का रूल लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखा जाए इसको पहले कैसे होगा। ए अपॉन में एक्स माइनस वन, बी अपॉन में एक्स माइनस टू एंड सी अपॉन में एक्स माइनस थ्री लिखा। लिखने के बाद इसका हमने एलसीएम लिया, यानी टोटल सबको एक साथ लेंगे, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री इक्वल में यहां पे एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री। ए के साथ क्या हो गया, ए के साथ हो गया एक्स माइनस वन को छोड़ दीजिएगा, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। बी के साथ क्या हो जाएगा, बी के साथ हो जाएगा एक्स माइनस टू को छोड़ दिया जाएगा जो लिखा हुआ, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री। सी के साथ में क्या मिलेगा, एक्स माइनस थ्री छोड़ देंगे, एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू। नीचे वाली वैल्यू ये चली गई, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, बी एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, सी एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू। अब बारी बारी जैसे हमने बताया था ये तीन वैल्यू हैं अलग अलग, इन तीनों को बारी बारी एक जीरो मान लो। पहले एक बार एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। जहां जहां एक्स माइनस वन है वो तो जीरो हो गया, यानी बी का टर्म जीरो हो जाएगा, सी का टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स माइनस वन मिल रहा है। यहां पे एक्स लिखा है तो यहां पे वन लिखा है, ए वन माइनस टू वन माइनस थ्री, बी के साथ भी जीरो हो जाएगा, सी के साथ भी जीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें एक्स माइनस वन थ्री। अब वन स्केच टू ए माइनस का वन माइनस का टू, यानी ए की वैल्यू आ गई आपकी वन बाई टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू करने पे वन बाई टू आ गया। सेकेंड पार्ट निकाला जाए इसका, एक्स माइनस टू स्क्वायर टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर टू टू कर दे। अब इसमें एक्स माइनस टू कहां कहां पे, एक बार यहां पे लिखा हुआ ए के साथ लिखा हुआ, एक सी के साथ लिखा, यानी इससे बी की वैल्यू आएगी, बी में एक्स माइनस टू नहीं है। अब यहां एक्स यहां पर क्या पुट करेंगे, एक्स को टू माना है तो यहां पर टू लिखेंगे, ए आपका जीरो हो गया क्योंकि इसमें एक्स माइनस टू था, बी में एक्स माइनस टू नहीं है तो जहां जहां एक्स है वहां पे टू ले देंगे, टू माइनस वन टू माइनस थ्री, एंड सी में भी है इसलिए जीरो हो गया। तो इसकी वैल्यू आ गई टू इज इक्वल टू बी, वन होगा ये एंड माइनस वन होगा, यानी बी की वैल्यू माइनस टू आ गई, क्लियर। सी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकालना है तो एक्स माइनस
थ्री को जीरो ले लो, तीन फंक्शन है अलग अलग, तीनों को मान लिया, एक्स माइनस थ्री को जीरो मान लिया, यानी एक्स की वैल्यू आ गई आपके थ्री। अब एक्स की वैल्यू थ्री इसमें पुट किया जाए, थ्री जहां एक्स है, ये इक्वेशन आपके सामने है, ये इसी इक्वेशन में सब रखना रहता है, यहां एक्स है तो एक्स की यहां पे हमने थ्री रखा, ए इसमें एक्स माइनस थ्री पाया जा रहा है, यानी इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, इसमें पाया जा रहा है इसमें नहीं निकलेगी, इसी में लिखा जाएगा, वैसे भी ये भी आ चुका है, तो ये ए जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, सी की वैल्यू में क्या आया, थ्री इज इक्वल टू ए जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, सी की वैल्यू आ गई थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू, यानी थ्री इज टू, सी खाली बचा टू एंड वन, यानी सी की वैल्यू थ्री बाई टू। जब ये थ्री बाय टू आ गया, अब हमें ए मालूम हो गया है, बी मालूम हो गया है, सी मालूम हो गया है, ये तीनों वैल्यू हमें मालूम हो गई है। ए की जगह पे हम वन बाय टू पुट कर देंगे, बी की जगह माइनस टू पुट कर देंगे, सी की जगह पे हम माइनस सॉरी सी की जगह पे थ्री बाय टू पुट कर देंगे, और हम इसका फिर इंटीग्रेशन कर देंगे जब इंटीग्रेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी आप पार्शियल जान रहे हैं, पार्शियल में कैसे किया जा रहा है, ठीक है, तो पहले पार्शियल लेके फिर इंटीग्रेशन को सिखाने में टाइम लगेगा। इसको ऐसे निकाल दिया जाए, अब थोड़ा क्वेश्चन को और बढ़ाइए, नोट करिए, ठीक, चलिए क्वेश्चन में इसकी पावर को और इंक्रीज कर दो, ऊपर वाली न्यूमेरेटर पावर को बढ़ा देते हैं, अब ऊपर की पावर में यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में हमने लिख दिया एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, नंबर कोई भी होगा जरूरी नहीं है यहाँ पे एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू हो तो जो भी हो, बस आप उस पर ध्यान दिए कि एक्स के साथ दिया। अब यहां हम देखे अगर मल्टीप्लाई करेंगे जो होगा तो मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर में आएगी, और यहां पे भी एक्स स्क्वायर, जब ये पावरें मैच कर जाए तो हम इसको डिवाइड करेंगे, कैसे इसका मल्टीपल करो अगर दोनों का तो आता है एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स प्लस टू, और न्यूमेरेटर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक बार में चला गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो था डिवाइड, डिवाइड किया गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, यहां पे बचा 3x माइनस टू, बस अब इसके आगे में डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, 3x माइनस टू, तो जो बच रहा है यानी 1 से डिविजिबल पूरा हुआ, डिविजिबल पार्ट 1 है, बाकी बीच में प्लस बनाते हैं, रिमाइंडर हमें कितना मिला 3x माइनस टू अपॉन में, इसको ही उतारेंगे तो इसको फिर फैक्टर ऊपर लिख देंगे, यानी x माइनस वन एंड x माइनस, ये वैल्यू आई हमारी। अब जब ये आ गया तो इसका पार्शियल निकालना है, तो इसका पार्शियल निकालेंगे क्या करेंगे, 3x माइनस टू अपॉन में x माइनस वन एंड x माइनस टू, आपने a माना a अपॉन में x माइनस वन, b अपॉन में x माइनस टू, ठीक, अब एलसीएम ले लिया जैसे ले रहे थे, यहां पे x माइनस वन एंड x माइनस टू एलसीएम ले लिया, a के साथ में क्या लिखा गया बच्चा, x माइनस टू, a के साथ में x माइनस टू, बीच में प्लस, b के साथ में क्या लिखा गया x माइनस वन, यहां पे लिखा हुआ थ्री एक्स माइनस टू अपॉन में x माइनस वन एंड x माइनस टू, कैंसिल हो गया, थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू e के साथ में x माइनस टू प्लस b के साथ में x माइनस वन।
अब इसको हम लोग वैसे ही करें जैसे बताया है। एक बार x माइनस वन, ये दो वैल्यू है तो बस इनको माना जाता है, x माइनस वन को जीरो मान लो, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, वन। जब x की वैल्यू वन आ गई है यानी x माइनस वन जीरो आ गया, तो इससे b की वैल्यू तो निकलेगी नहीं, तो b तो जीरो हो जाएगा, a निकलेगा। यहां x लिखा हुआ है थ्री वन माइनस टू इज इक्वल टू ए वन माइनस टू और ये बी जीरो हो गया। थ्री वन का थ्री, थ्री में से टू क्या वन आया, ए माइनस वन आया, यानी ए की वैल्यू आपके पास आ जा रही है कितनी, माइनस वन, ये हमारी ए की वैल्यू नहीं। सेकंड पार्ट निकाल दें इसका, बी यानी एक्स माइनस टू को जीरो कर दो, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू। अब जहां इसमें एक्स है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम वहां वहां पे टू रख देंगे, थ्री टू माइनस टू इज इक्वल टू ए के साथ तो आपका जीरो हो गया, लेकिन बी के साथ पे टू माइनस वन, यानी बी की वैल्यू आ जाएगी छह में से दो गया चार, ठीक, बी की फोर आ गई है और इसकी माइनस वन आ गई है। क्लियर, रख के देख लिया गया सिक्स और बन गया है। अब इसको जब सॉल्व किया गया यानी इसकी वैल्यू रखा गया, तो कैसे रखा गया, हमने पहली क्वेश्चन उतारी वन प्लस में थ्री एक्स माइनस टू अकाउंट में था एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू, वन प्लस इसकी जगह पुट किए थे ए अकाउंट में एक्स माइनस वन प्लस बी अकाउंट में एक्स माइनस टू। अब ए की वैल्यू जो आई है वो रख देंगे वन प्लस माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन प्लस फोर अपॉन में एक्स माइनस टू, यानी वन माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन प्लस फोर अपॉन में एक्स माइनस टू इसका आंसर हुआ। अब इंटीग्रेशन करना होगा तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, इसका वन डी एक्स का एक्स हो जाएगा, इसका लॉग एक्स माइनस वन हो जाएगा, इसका लॉग एक्स माइनस टू हो जाएगा इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। फिलहाल पहले इसका पार्शियल, ठीक है, इस टाइप से आपको वन टाइप में जितने भी वैल्यू दी जाती है, अब इसकी बड़ी भी पावर होगी, अगर मान ली यहाँ पे एक्स क्यूब होता है तब भी हम डिवाइड करते हैं, इसकी पावर फोर होता तब भी डिवाइड करते हैं, यानी इससे अगर जो नीचे वाले डिवाइडर है डिवाइडर से के फंक्शन की पावर से अगर ऊपर वाली पावर बड़ी हो जा रही है तो आप पहले उसको डिवाइड करके उसको आप छोटा कीजिए, जब आप छोटा कर लेंगे तब उसके बाद उसमें आप पार्शियल लगाइए, पार्शियल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है, कि आप कितना लंबा ना करना पड़े, चलिए देखिए, तब उसके बाद हम एक क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन कैसे कर देंगे और आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसका। वन टाइप का आज हो रहा है, चार टाइप के हैं, फिर सेकंड टाइप नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड टाइप उसके बाद, फोर्थ टाइप उसके बाद, एक एक टाइप करके चारों को बताया जाएगा। हाँ देखिए, हमने मान लिए क्वेश्चन लिखा x अपॉन में x माइनस वन एंड x माइनस टू, जैसे लिखा गया था x माइनस वन x माइनस टू, तो आप एक काम करें चाहे जितने भी हो, एक खींचिए यहां पे x माइनस वन प्लस बना के बी एक्स माइनस टू। अब हम यहां ऊपर नहीं लिख रहे हैं, ऊपर हम यहां कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं लिख रहे हैं, यहां पे हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन को हम लोग जब जीरो मानते थे तो क्या आता था वन, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू वन। बस अगर एक्स माइनस वन लिखा है तो उसको छोड़ दो, बाकी जहां जहां x है वहां पे ये वैल्यू पुट कर दो, वन वन है ना, एक्स इज टू वन, तो यहां वन होगा ऊपर, हमने इसको रोक लिया, वन अपॉन में वन माइनस टू, ये कैपिटल ए का मान आ गया। सेकंड x माइनस टू पे चले गए तो x माइनस टू को देखा जाए तो x माइनस टू को रोक दे, x माइनस टू इज टू जीरो तो x माइनस टू में नहीं रखेंगे, अब हमारे पास ये और ये बचा, जो बचेगा बस उसी में रखेंगे, तो टू अपॉन में टू माइनस वन,
देखिए आप एक्स माइनस टू स्पेस टू जीरो यानी एक्स की वैल्यू टू होगी। अगर एक्स माइनस टू स्पेस टू जीरो है और एक्स बराबर टू है तो हर जगह हमें टू रखना है, लेकिन जिसके में माना गया है जीरो उसको रोक लेंगे, इसमें नहीं रोकेंगे, यानी इसमें और इसमें पुट कर देंगे। अब हमारी वैल्यू आ गई माइनस का वन अपॉन में एक्स माइनस वन प्लस का टू अपॉन में एक्स माइनस टू। ठीक है, आसान है, डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर दिया गया और आंसर आ गया। क्लियर, इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा, इसमें फिर से एलसीएम लोगे तो वही बन जाएगा, इसको इधर एलसीएम लेंगे तो माइनस एक्स प्लस टू इधर करेंगे तो ऐसी बची खाली। अगर ऐसे हो जाता एक्स की पावर थ्री एक्स प्लस वन है और यहाँ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ऐसे बना हुआ है, अब इसको करना है तो क्या करेंगे, अब इसको कर लेते हमने यहां पर लिखा एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस टू सी एक्स माइनस थ्री, पहले सिर्फ अलग अलग फैक्टर से होता है तो इस टाइप से लिख लिया गया। अब एक्स माइनस वन को जीरो माना गया यानी एक्स स्क्वायर टू वन, बस इसमें नहीं रखेंगे बाकी इन सब में रख देंगे, तो लिखेंगे थ्री वन प्लस वन अपॉन में, इसमें तो रखना नहीं है क्योंकि नीचे लिखा हुआ है वन माइनस टू एंड वन माइनस थ्री, कंप्लीट हो गया ये। दूसरे में आ जाए लिखेंगे एक्स माइनस टू जीरो तो एक्स माइनस टू में एक्स स्पेस टू टू सब में रखेंगे, बस इसमें नहीं रखेंगे जहां एक्स माइनस टू लिखा हुआ है, नहीं तो इनफाइनाइट आंसर हो जाता है। थ्री टू प्लस वन अपॉन में टू माइनस वन एंड टू माइनस थ्री। फिर आगे तीसरे में x माइनस थ्री तो x माइनस थ्री वाले भी लेने के बाकी समय रह देंगे, तो थ्री थ्री प्लस वन अपॉन में थ्री माइनस वन एंड थ्री माइनस टू। अब नंबर को सॉल्व कर लिया, थ्री वन जो थ्री फोर हो गया, ऊपर फोर हुआ है नीचे माइनस वन एंड माइनस टू हुआ है अपॉन में x माइनस वन हो गया। यहां पे किया सिक्स सेवन सेवन हुआ है वन हुआ है एंड माइनस वन हुआ है अपॉन में एक्स माइनस टू कर दिया। टेन हुआ है टू एंड वन यानी कि एक्स माइनस थ्री आ गया। अब इसका आया कितना, ये टू टू से फोर कटेगा तो यहां पे टू अपॉन में खाली एक्स माइनस वन बचेगा, यहां पे माइनस का प्लस माइनस माइनस का सेवन अपॉन में एक्स माइनस टू आ गया एंड टू से टेन कटा तो फाइव अपॉन में एक्स माइनस थ्री आ गया। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, सिंपल सा था, पहले कभी कैसे डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताया। ठीक, अभी क्वेश्चन इंटीग्रेशन हम करके दिखा देते हैं, बाकी आप इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आसानी से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में बन के मिला है 3x प्लस वन अपॉन में x प्लस टू एक्स माइनस थ्री और मन कर रहा है तो लो एक्स माइनस एक्स माइनस फाइव एक और ले दिया dx। तो पहले आप एक काम किया, फिर थ्री एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस टू लिखा, शॉर्ट ट्रिक से करो कोई जरूरत नहीं है पूरा मेथड लगा रहे, अगर मेथड सीख गए तो, और नहीं तो पूरे एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हो। एक बना के एक्स प्लस टू लिखा डीएक्स, ऊपर जगह खाली लिखी जहां क्या पहले लिख रहे थे वो खाली छोड़ दिया, फिर एक्स माइनस थ्री। अच्छा पहले चेक भी कर लिया गया, यहाँ की पावर ऊपर की छोटी है नीचे की बड़ी है तब डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर पावर इक्वल एंड ऊपर की ग्रेटर देन हो गई यानी बड़ी हो गई
तो पहले डिवाइड करके छोटा करना है, ठीक है। सेकंड है x माइनस 3, तो यह आ जाएगा dx प्लस, नेक्स्ट है इसका क्या है भाई, x माइनस 5 dx। ये तीनों को अलग अलग बना दिया, ये बने हमारे पास। अच्छा भाई, अब अगर x प्लस 2 है यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 2 रखेंगे। अब x की वैल्यू माइनस 2 रखा जाए तो 3 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में, इसमें तो रखना लेंगे माइनस 2 माइनस 3 एंड माइनस 2 माइनस 5। सेकेंड में आ जाए, सेकेंड में आ जाए x माइनस 3 लिखा हुआ है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 रख दें, 3 3 प्लस 1 अपॉन में, इसमें ही रखना है, नहीं इसमें तो रखना है, 3 वाले में ले लेते हैं, 3 माइनस 2 एंड 3 माइनस 5, ठीक। यहां ऐसा वाले लिख दिया, फिर 5 वाले आ गए तो इसको भी लिख देते हैं, 3 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 2 एंड 5 माइनस 3, बाकी 5 वाले में नहीं रखना है। क्या मिल गया यार, माइनस 6 यानी माइनस 5 ऊपर हुआ एंड नीचे माइनस 5 ये भी हुआ एंड माइनस 7 हुआ अपॉन में x प्लस 2 ds प्लस 10 अपॉन में, ये 1 हुआ ये माइनस 2 हुआ, x माइनस 3 ds, फिर 16 अपॉन में ये 7 हुआ और ये 2 हुआ, x माइनस 5 ds। इससे ये चला गया, 2 से 5 गया, ये 8 आया, जो कर सकते थे उनको काट दिया। माइनस का 1 बाय 7 1 अपॉन में x प्लस 2 ds, यहां पे एक माइनस साइन आ रहा है, माइनस आ जाएगा, यहां पे भी माइनस आया था, यहां पे भी माइनस आ गया, 5 भी है ऊपर, 5 रखा दी, यहां पे 5 बाहर हो गया अपॉन में x माइनस 3 ds। फिर इधर देखा जाए, यहां पे हमने देखा 8 बाई 7 1 अपॉन में x माइनस 5 ds, इसकी ओर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो अगर x के साथ कुछ मल्टीपल में नहीं है तो सब्ट्रैक्शन मेथड ना लगाना, कि इसको t मान ले कर रहे हैं, डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसको t मानोगे तो dx बराबर dt ही आएगा। तो एक काम करते हैं, माइनस पर 1 बाई 7 1 बाई x का log x होता है, तो 1 बाई x प्लस 2 का log x प्लस 2 हो जाएगा, 5 इसका log x माइनस 3 हो जाएगा, 8 बाई 7 log x माइनस 5 हो गया, प्लस में सी आंसर। इस टाइप से इसके आंसर निकाले जाते हैं, बारी बारी सारी वैल्यू रख दी जाती है। फिर से देख लो, हमने यहां पे x प्लस 2 x प्लस माइनस 3 x माइनस 5 जो भी नीचे दिया गया इसको अलग अलग तोड़ दिया, ऊपर यहां खाली छोड़ी थी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 किया तो x बराबर माइनस 2 आया, तो इसको छोड़ के बाकी समय वैल्यू पुट कर दी, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, फिर इसमें पुट किया तो x माइनस 3 भी यहां पे रख दिया, तो 3 वाले भी नहीं रखा बाकी में रख दिया, 3 माइनस 2 ये 3 माइनस 2 नहीं था, ये 3 प्लस 2 था, यहां पे गड़बड़ हुई, 3 माइनस 2 नहीं था, ये क्या था, 3 प्लस 2 था, ये हमारा आया 5, 3 माइनस 2 नहीं था, ये 3 प्लस 2 था, यहां पे आया 5 एंड उसके बाद इसमें रखा गया था 3 माइनस 5 यानी माइनस 2, तो ये 5 आ रहा है, तो ऊपर भी 5 आ रहा है नीचे भी 5 आ रहा है, इसको कैंसिल किया जा सकता है, ये भी मत हो गया। चलिए कैलकुलेशन सही हो गई, x माइनस 5 यहाँ पे अगला देखा गया, देखने में क्या देखा गया कि भाई 5 को रखा तो 5 3 5 प्लस 1 हो जा रहा है, नीचे क्या हो गया 5 प्लस 2 5 माइनस 3,
तो ये 7 हो गया, ये 2 हो गया। अब जब ये 2 हो गया तो 2 से ये 16 को काट दिया, यहाँ 8 आ गया, 8/7 हो गया। यहां से पूरा कैंसिल हो गया क्योंकि 3+2 हो गया था और यहां पे 3 - आपका 5। ठीक, क्लियर। इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। चलिए अब आप इसके इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई दिक्कत हो इस पर आप पूछिएगा। अभी इसके कई सवाल करा देंगे, अभी हम पावर वाला भी ना हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको सेकंड टाइप शुरू करने से पहले आपका बता देंगे कि कैसे जो है बड़ी पावर है तो उसको अलग से डिवाइड करके कैसे किया जाता है, उसको भी हम लोग करने जाएंगे। ठीक है।